तो यार आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली, क्योंकि गाइस आज हम बात करेंगे ना कोई एनिमेशन की, ना कोई कार्टून की और ना ही किसी अपडेट की। आज हम उसकी बात करेंगे ना जितने यार बचपन को बिल्कुल एक तरीके से क्रिएटिव बना दिया हो। आप लोग ने कभी ना कभी मैथ विद ड्रॉप को देखा ही होगा, इस बंदे को, इन सर को कभी ना कभी देखा ही होगा। और गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको पोगो पे देखा होगा सबसे पहले, आपको याद होगा या नहीं। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये चीज़ आप लोगों ने पोगो पे इनका एपिसोड देखा होगा, जो यार आपको याद होगा ये लोग एक बहुत अच्छी चीज़ ड्राइंग बनाते थे और फिर बच्चों को गिफ्ट भी देते थे। मतलब यार इनका शो बहुत सुपर हिट मुझे लगता था, क्योंकि गाइस ये हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते थे और गाइस बहुत ही कम मटेरियल में ये बहुत अच्छी चीज़ बनाते थे। तो यार मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं इनका बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। और गाइस आज का लाइक है, मतलब वीडियो का लाइक है, मैं सेट कर देता हूँ 150 लाइक का है, तो आप कंप्लीट कर दो। और अगर आप इसको जानते हो, मतलब इन सर को जानते हो, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि गाइस क्योंकि गाइस आपको पता नहीं होगा या फिर आप में से बहुत लोगों ने को पता होगा कि इनका अब शो आने वाला है डिज्नी चैनल पे। हाँ गाइस डिज्नी चैनल पे इनका शो आने वाला है 6 सितंबर को, जो बहुत ही खुशी और बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि अब हमें फिर से क्रिएटिव के साथ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और गाइस मैं आपको बता दूँ, ये जो न्यूज़ है ये सबसे पहले यार समथिंग एंड एनिमी ने दी थी। मैंने अभी मैं इनके बारे में सर्च कर रहा था, क्योंकि इनका मुझे एक प्रोमो दिखा था डिज्नी चैनल पे, आप लोगों को वो दिख रहा होगा। तो गाइस उनके बारे में मैंने सर्च करा और मैंने देखा समथिंग एंड एनिमी भाई ने इनके बारे में वीडियो डाल रखी है। सो गाइस अगर आप जानते हो, मतलब आप मैड विद रॉब सर को जानते हो, और अगर आप चैनल पे नए हो, मतलब यार अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल का बेल आइकन दबा दो अगर आप रॉब मैड को जानते हो। गाइस अब मैं इनके बारे में एक आपको छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जिनसे यार आपका रिस्पेक्ट इनके लिए और भी हाई हो जाने वाला है। तो गाइस आपको पता होगा इनका एक शो आता था पोगो पे जो बहुत ही हिट था, लेकिन गाइस आप लोग जानते हैं वक्त के साथ साथ जैसे ही अदर जैसे मोटू पतलू छोटा भीम आते रहे, तो गाइस इनका शो हटा दिया गया और फिर गाइस ये फिर यूट्यूब पे आए। और यूट्यूब पे यार इन्होंने स्टार्टिंग में मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी और कोई भी इनको नहीं जानता था, इन्होंने बहुत वीडियोज़ डाली लेकिन ये पॉपुलर नहीं हो रहे थे। लेकिन गाइस इन्होंने कभी हार नहीं मानी, इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार वीडियोस डालते गए और जिससे यार आज इनके चैनल पे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, जो यार बहुत ही बड़ी बात होती है। और ये आप और गाइस मुझे भी यार सब्सक्राइब कर दो यार, इसी बात पे यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि यार आप लोग जानते होंगे कि उसकी वैल्यू जब बढ़ जाती है जब कोई चीज़ पॉपुलर हो जाती है, तो गाइस इन्हीं के साथ भी ऐसा ही हुआ, ये अब पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो गाइस अब डिज्नी ला रहा है इनका शो जो 6 सितंबर को आने वाला है। और एक फन फैक्ट, 21 सितंबर को मेरा बर्थडे है, तो गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब करके गिफ्ट दे दो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है जो चैनल पे नए हैं, वैसे गाइस मैं आपको बता देता हूँ जो भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, जो कमेंट करते हैं, तो गाइस उनका मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस आप लोग मुझे स्टार्टिंग से ही सपोर्ट कर रहे हो, जो गाइस बहुत ही अच्छी बात है यार। आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, अगर मेरे पास होते ना एक बहुत बड़ी वाली झप्पी देता आपको, क्योंकि गाइस आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। और हाँ कोरोना वायरस है तो फिर ये मत सुनो भाई, कोरोना वायरस है तू झप्पी क्या दे देगा, तो गाइस ऐसी बात नहीं है। अगर कोरोना नहीं होता तो फिर दे देता, तो ऐसे भी दे देता, मैं अपने आपको सैनिटाइज करके दे देता, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस बस वही है यार कि आप हमेशा सपोर्ट करते रहो जैसे करते हो, बस आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस सपोर्ट करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो।